दोस्तों अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं और 2000 रुपए के ऊपर के करते हैं तो कुछ कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट को एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब ये कौन कौन से यूपीआई ट्रांजेक्शन है जिस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, अगर लगता है तो भी मर्चेंट क्या कस्टमर को पास ओवर करेगा या गवर्नमेंट कोई भी रिफंड पॉलिसी अप्लाई करेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है इंटर ऑपरेबिलिटी यूपीआई के अंदर। दोस्तों पहले आप गूगल पे यूज करते हैं तो सिर्फ आप गूगल पे कस्टमर को ही पे कर सकते थे यूपीआई यूज करके। अगर आप पेटीएम यूज करते थे तो पेटीएम कस्टमर को ही पे कर सकते थे यूपीआई यूज करके। मगर इंटर ऑपरेबिलिटी आने के कारण गूगल पे से आप किसी और यूपीआई एप्लीकेशन को भी सेंड कर सकते हैं, गूगल पे से पेटीएम या फोन पे को भी सेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। जी हाँ, इंटर ऑपरेबिलिटी आने के कारण ही आपका हाथ पर कौन सा डिवाइस से कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन है ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन से जब आप पैसा भेजते हैं तो आपका यूपीआई का बैंक अकाउंट से रिसिपिएंट का यूपीआई बैंक अकाउंट को पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब ये बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर होता है यूपीआई के माध्यम से। अब देखते हैं क्या है पीपीआई। अगर आप यूपीआई के अंदर यूपीआई बैंक अकाउंट से किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को आप पैसा सेंड करते हैं तो इसे कहते हैं प्रीपेड ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट से किसी भी प्रीपेड वैलेट हो सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसके लिए आप पैसा भेज रहे हैं। अब इस तरह का जो ट्रांसफर होता है 2000 रुपए का ऊपर का प्रीपेड ट्रांसफर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज मर्चेंट को लगेगा। दोस्तों यहाँ पर पीपी के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वैलेट हो सकता है या किसी और इंस्ट्रूमेंट पर आप ऑलरेडी प्रीलोड करते हैं पैसा तो उसे कहते हैं पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर के लिए नहीं सिर्फ मर्चेंट के लिए है। मगर आप जानते ही हैं पेट्रोल पंप पर जाकर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहां पर भी मर्चेंट को एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है गवर्नमेंट आपको रिफंड करता है या मर्चेंट खुद सब्सिडाइज कर देता है आपके लिए। कुछ कुछ मर्चेंट है डायरेक्टली कस्टमर को पास ओवर कर देता है ये जो एक्स्ट्रा चार्ज। यहाँ पर अभी का नियम है 1 अप्रैल के बाद अगर आप 2000 रुपए का ऊपर का यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी पीपीआई यूज करके तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज मर्चेंट को लगेगा, ये आप ध्यान पर रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन आप करते हैं जिस पर पीपीआई इन्वॉल्व नहीं है तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप वैलेट यूज करते हैं यूपीआई के अंदर तो नियम आ चुका है 1 अप्रैल के बाद 2000 रुपए का कोई भी पीपीआई यूपीआई ट्रांजेक्शन को एक्स्ट्रा चार्ज मर्चेंट को लगाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।